चंपावत जिले के पार्टी ब्लॉक के मोनकाडा प्राथमिक विद्यालय में 17 सितंबर को जर्जर शौचालय ढहने से पूर्व हुई छात्र की मौत पर चंपावत के विधायक और प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा डीम चंपावत नरेश सिंह भंडारी को मजिस्ट्रेट जांच कर 15 दिन के अंदर जांच रिपोर्ट सौंपने और जांच में दोषी पाए जाने वाले व्यक्तियों पर कड़ी कार्रवाई करने के आदेश दिए गए थे, जिसके बाद डीएम चंपावत नरेश सिंह भंडारी ने पार्टी के एसडीएम रिंकू बिष्ट को जांच अधिकारी नियुक्त किया था, जिसके तुरंत बाद एसडीएम रिंकू बिष्ट ने जांच शुरू भी कर दी। उन्होंने घटना से संबंधित सभी विभागों और व्यक्तियों को 26 सितंबर को एसडीएम कार्यालय में अपने बयान दर्ज कराने के आदेश दिए हैं। एसडीएम रिंकू बिष्ट ने बताया कि जांच में इस घटना में जिम्मेदार कौन है, जर्जर शौचालय क्यों नहीं पहले ढाया गया और बच्चों को जर्जर शौचालय में क्यों खेलने दिया गया, इन बिंदुओं को लेकर शिक्षा विभाग, विद्यालय प्रबंधन समिति, विद्यालय के शिक्षक, ग्राम प्रधान और ग्रामीणों के पक्ष को सुना जाएगा। साथ ही पुलिस और चिकित्सा विभाग से भी घटना से संबंधित कागजात मांगे जाएंगे और सभी पक्षों को सुनकर जांच रिपोर्ट बनाकर जिलाधिकारी को सौंप दी जाएगी। वहीं शिक्षा विभाग ने भी इस घटना पर कार्रवाई करते हुए विद्यालय के एक शिक्षक को निलंबित कर दिया है। साथ ही जिले के सभी जर्जर विद्यालयों की सूची भी तैयार की जा रही है। वहीं इस घटना को लेकर विपक्ष भी सरकार पर लगातार हमलावर हो रहा है। डीएम द्वारा इस दुखद घटना की मजिस्ट्रेट जांच के आदेश मुझे सौंपे गए हैं और इसमें हमने संबंधित पक्षों को जो भी इससे संबंध है और जो भी इस संबंध में कोई भी अपने लिखित या मौखिक बयान दर्ज कराना चाहता है, 26 सितंबर को वो किसी भी कार्य दिवस में 10 से 5 बजे तक तहसील कार्यालय पार्टी में आके अपने बयान दर्ज करा सकता है। साथ ही हमने जो खंड शिक्षा अधिकारी है एमसी के जो अध्यक्ष हैं उनको भी अपने बयान दर्ज कराने के लिए कहा है। अब पुलिस के द्वारा और चिकित्सा विभाग के द्वारा जो भी कार्रवाई की गई है उनसे भी जो है समस्त अभिलेख मांगे गए। इसमें जो जांच की जाएगी उसका केंद्रीय बिंदु यही रहेगा कि जो उक्त घटना घटित हुई है इसके लिए जिम्मेदार पक्ष कौन है। शिक्षा विभाग का भी पक्ष जाना जाएगा और जो एसएमसी है, ग्राम प्रधान है, उनका भी पक्ष जाना जाएगा कि अगर ये जो खंडर नुमा जीर्ण शीर्ण शौचालय था अगर ये टूटा नहीं तो क्या इससे पहले इसकी बात की गई थी और की गई थी तो इस पर क्यों नहीं ये ध्वस्त किया गया, तो इस बिंदु पर ही सारी जाँच रहेगी।